हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। कुछ ये जीके के क्वेश्चन हैं, ये आपके 5 फरवरी शिप सेकंड में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिए इनके सोल्यूशन और इनके आंसर। कुछ के आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने फटाफट जितने हो सके उतने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन था आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए, तो वो इसका आंसर था 35 ईयर्स की एज चाहिए। उसके बाद देखिए भारत बाबर जो है भारत में क्यों आया था। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मातृ योजना, इसकी थोड़ी अमाउंट पूछी हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स पे एक क्वेश्चन आया था 2019 में, जो भारत रत्न पुरस्कार है। दोनों की वीडियो जो है वो मैंने जो है बना दी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। जिन लोगों को अगली शिफ्ट के लिए तैयारी करनी है बेस्ट से बेस्ट, तो वो मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। कम टाइम में मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट, वहीं से आए हैं क्वेश्चन ये। यहाँ देखिए आप बेस्ट जीके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं लाइक नोबल प्राइज़, कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स, मैक्सिमम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, 2019 और 18 के अवार्ड्स, ठीक है। ये अभी हाल ही में मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। नोबल प्राइज़ पे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे देखिए नोबल प्राइज़ से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप कर लीजिएगा। आगे देखिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की फाउंडर किसने की थी, राजा राम मोहन राय। संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड था, एक इससे भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, फुटबॉल। ताजमहल किस नदी के किनारे है, यमुना। कथकली में कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा पुल जो है वो कौन सी नदी पे है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन दिया तो ब्रह्मपुत्र कर देना। एक लंबा पुल भी आपके पास पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा विश्व का कौन सा है ये आपका पुल, चिनाब है इसका आंसर। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन था जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो आप बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, जीके वाली, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 में हुई थी, तो ये देख लेना आप, ठीक है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, आरबीआई का गवर्नर, ये भी बताया हुआ मैंने, प्लेलिस्ट में चले जाइए जीके की। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। मनी बिल पास किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा जो है वो उसे 14 दिन के अंतराल तक रोक सकती है, तो यही क्वेश्चन था। और स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल जो होता है वो मनी बिल होता है। लीलावती बुक के लेखक, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक पूछे हुए थे, एडम स्मिथ हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछा था। रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करती हैं। स्लेव, हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी ने की थी 1921 में। बोडो संग्रहालय कहाँ बना है। इल्तुमिश की बेटी ये रजिया सुल्तान ही है। महात्मा गांधी जो पहली मुस्लिम शासक थी महिला, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, और वापस कब लौटे थे, 1915 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पार्ट फोर्थ में था, और जो पार्ट फोर्थ का ए पार्ट है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी। इन्वायरमेंटल डे थीम जो है वो क्या थी उसकी, इन्वायरमेंट की डे थीम जो इस बार की थी। और हु विल विन गोल्ड इन यूथ ओलंपिक जो आपके गेम्स हुए थे उसमें राइफल्स में किसने गोल्ड मेडल जीता था, ये क्वेश्चन था। इसकी प्लेलिस्ट में आपकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने बना दी है, आप देख लीजिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। इस तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। जितना भी मेरे पास कंटेंट आता है मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद।